मकर संक्रांति पर्व पर शिव मंदिर बैजनाथ में भगवान शिव व माँ पार्वती के पावन पिंडी पर 3 क्वांटल देसी घी व मेवे का श्रृंगार किया गया, जबकि मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों व फूलों से सजाया गया है। धौलाधार की गोद में स्थित बैजनाथ का ऐतिहासिक शिव मंदिर, जहां एक तरफ अपनी प्राकृतिक छटा एवं बेजोड़ हस्तशिल्प कला से पूरा वर्ष पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आचार्य सुंदर कुमार शर्मा ने बताया कि देसी घी को 108 बार शोधित करने का काम शुरू कर दिया गया था तथा मकर संक्रांति की संध्या के समय पिंडी पर धृत मंडल बनाने का काम शुरू होगा, जो कि रात को 10 बजे तक पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 14 से लेकर 21 जनवरी तक पिंडी पर धृत मंडल पर्व मनाया जाएगा, जिसके पश्चात 22 जनवरी को पिंडी पर लेप किया मक्खन को प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं में बांटा जाएगा। मान्यता है कि प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले मक्खन चर्म रोग को ठीक करने में लाभदायक भी होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा बिलोंग टू पंजाब में था, तो उसमें मंडी स्टेट का राजा जो था वो भगवान के इस विग्रह की ख्याति उसने सुन रखी थी कि भगवान बाबा वैद्यनाथ बहुत ही पवित्र और सिद्ध स्थान है, तो क्यों ना मैं इस विग्रह को ले जाऊँ और अपनी मंडी स्टेट में स्थापित करूँ। राजा अपनी रियासत के कुछ विद्वान पंडितों को लेकर यहाँ आया, उसने रुद्राभिषेक किया, पूजन किया, उसके बाद भगवान से प्रार्थना की, भगवान मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। सहस्त्र वर्षाणि विजयनाथस्य शंकरस्य मंदिर रावणः तपस्यां कुर्यात्। रावण ने यहाँ पर बैठ के कई हजार वर्ष विश्व विजयी होने का तप किया था। ये रावण की तपोस्थली भूमि रही है। आज भी पूरे भारत में रावण का पुतला जलाया जाता है, दशहरा मनाया जाता है। हिमाचल के बैना क्षेत्र में ना ही दशहरा मनाया जाता है, ना ही रावण का पुतला जलाया जाता है। यहाँ कुछ पर्व ऐसे हैं जो बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, जैसे शिवरात्रि, तारा रात्रि, मकर संक्रांति। उसने आया तो उसने देखा कि तो अनर्थ हो गया, मैंने क्या गलत सोच लिया, तो वो प्रायश्चित करने के लिए उसने सोचा कि अब क्या इसका पाप का क्या गुनाह किया, मतलब इसका प्रायश्चित कैसे किया जाए इस पाप का। तो फिर उसने अपने बड़े विद्वान पंडितों से, राष्ट्र के पंडितों से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि महाराज भगवान शिव रोग को दूर करने वाले और मनोकामना को पूर्ण करने वाले भोले शंकर बहना शिव शक्ति सहित है, तो आप भगवान को घी का लेप करें। तो राजा उस समय से लेकर सवा सोमवण मंत्र पक्का कहा जाता है उसमें घी को, तो सोमवण पक्का घी उसके राजा के दरबार से आता है। बात है और भक्ति की बात है, जो भी इस प्रसाद को लेकर जाता है वो कई प्रकार के असाध्य रोगों को दूर करता है, जैसे चर्म रोग हुआ, किसी को कोढ़ हो गया, और क्या नाम उसका, कई ददरी दाद, खुजली आदि सब। लेकिन इसको किसी अपवित्र स्थान पर ना लगाया जाए, लेकिन जो भी प्रसाद लगाए श्रद्धा के अनुसार लगाया जाए तो अवश्य उसका रोग दूर होता है। ऐसे बहुत से लोगों के यहाँ आते हैं और हमें बताते हैं कि हमने मक्खन का घी लिया था दिल्ली से, कलकत्ता से, बम्बई से, तो कहते हैं हमें ये इससे रोग से छुटकारा मिल गया। राजा उतनी ही देर में उससे सचेत हो गया और उसको स्वप्न मात्र में भगवान ने कहा कि राजन तू मेरे इस विग्रह को हाथ में लगाना, नहीं तो तेरा मंडी स्टेट ही नाश कर दूंगा। बड़ी धूमधाम से, बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और हजारों की तादाद से लोग यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। मकर संक्रांति का उसमें से दिन है, यहाँ कम से कम 3 क्वांटल घी, 3.25 क्वांटल या 2.25 क्वांटल घी को मक्खन बनाया जाता है, उसको 108 बार पानी से धो जाता है। फिर उसके धोने के बाद मक्खन के पेड़े बनाए जाते हैं। शाम को 3-4 बजे भगवान शिव का रुद्राभिषेक होता है और रुद्राभिषेक करने की पूजा होती है उसकी। रुद्राभिषेक करने के बाद उसको भुर्ज पत्र से ढक दिया जाता है विग्रह को, उसके बाद उसको मक्खन के पेड़ों से ऊपर तक एक विग्रह बनाया जाता है।